आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंडियन इकोनॉमी के साथ। इंडियन इकोनॉमी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी क्या होती है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, देन हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडिया आज इकोनॉमिक ग्रोथ में कहाँ स्टैंड करते हैं, एक डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में क्या फ़र्क होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, एंड क्या हमें एक डेवलप और डेवलपिंग कंट्री की कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ मैच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ दो वर्ड से बना है, इकोनॉमिक और ग्रोथ से। इकोनॉमिक को एक बार साइड रख देते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ग्रोथ क्या। ग्रोथ आसान शब्दों में क्या होता है कि टाइम के साथ बढ़ना, इंक्रीज करना। जैसे कि विद टाइम हम लोगों की ग्रोथ होती है, हम लोगों की एज बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, वो हम लोगों पे ग्रोथ आना हुआ। वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, जिससे कि मेरी कंट्री की इकोनॉमी बढ़े, इकोनॉमी का मेजर बढ़े, उसको मैं इकोनॉमिक ग्रोथ बोलता हूँ। तो अब मैं इसको कैसे देखूँगा, तो इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ मैं तब बोलता हूँ जब मेरी कंट्री की GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज आएगा। जिन लोगों को GDP का मतलब नहीं पता, GDP मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर कितनी गुड्स एंड कितनी सर्विसेज एक पीरियड के अंदर प्रोड्यूस किए गए एंड उनकी वैल्यू क्या है, उनके बेसिस पे GDP कैलकुलेट करी जाती है। उसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम इसको GDP के अलावा GNP पे भी मेजर कर सकते हैं। अब GNP क्या है, GNP मेरा होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसके ऊपर भी कर सकते हो। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में एक प्रॉब्लम आई कि जैसे कि GDP क्या बोल रहा हूँ कि मैंने गुड्स कितने प्रोड्यूस करे, एंड क्योंकि जितने भी मेरे गुड्स हैं हर गुड अलग चीज़ में मेजर करा जाता है। जैसे कि कुछ गुड्स होते हैं वो लीटर्स में होंगे, भाई पेट्रोल है लीटर्स में क्वांटिटी आ रही है, कुछ गुड्स नंबर में होते हैं, तो इनको मैं साथ कैसे लाता था, इन सब की वैल्यू निकाल के मैं GDP निकाल लेता था। अब काफ़ी लोगों में ये आया कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ कंपेयर करेंगे अलग अलग साल की, तो हो सकता है कि एक साल में किसी गुड की वैल्यू कम हो, दूसरे साल में उस गुड की वैल्यू ज़्यादा हो। तो वहाँ से हम लोगों का एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया जिसको हम लोग बोलते हैं रियल GDP। रियल GDP पे हम लोग क्या करते हैं कि हम GDP को एडजस्ट करते हैं विथ इन्फ्लेशन फैक्टर। अब इन्फ्लेशन फैक्टर क्या था कि जैसे विद टाइम हम लोग के जो कॉस्टिंग वगैरह में चेंज आते हैं, प्राइस में चेंज आते हैं, हमारी परचेजिंग पावर में चेंज आता है, उसको मैं GDP के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ, वो मेरा रियल GDP। तो ये हम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितना मेरी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हुआ, कितने गुड्स प्रोड्यूस हो, कितने सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसको मैं इकोनॉमिक ग्रोथ बोलता हूँ। जैसे कि अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम 1 ट्रिलियन की भी नहीं थी, बहुत लो थी, बट आज की डेट में जो हमारी कंट्री है, हमारी GDP आज इकोनॉमी आज 3 ट्रिलियन के पास पहुँच गई है। तो ये हम लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ है। पहले जो हम लोग प्रोडक्शन करते थे एज़ कम्पेयर टू 1947, उसके कंपेरेटिवली आज 2020 में हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, वो लोग हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब इसकी पहले एक अच्छी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन इसके बारे में हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर। इट कैन बी मेजर्ड इन नॉर्मल GDP और रियल GDP। नॉर्मल और रियल का मैंने अभी पीछे डिस्कस किया क्या होता है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का आई होप आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा, एंड अब आप काफ़ी टर्म्स रिलेट भी कर सकते हो। काफ़ी बार न्यूज़ चैनल में लिखा था कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ये है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम से गिर गई, इंडिया की GDP गिर गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा अबाउट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में, कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैसे रहती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैसे रहती है, एंड हम उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं नहीं कर सकते। जब मैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कंट्रीज़ आएंगी लाइक इंडिया, बांग्लादेश, चाइना। डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती है मेरी USA, फ्रांस, रशिया।
अब इन दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या पैटर्न्स होते हैं थोड़ा सा वो समझते हैं। जो मेरी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनका जो मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो जनरली 4% से 12% तक के बीच में रहता है, जबकि जो मेरी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनका जो मेरा होता है वो जनरली 0.1% से लेके 2 या 3% तक मैक्सिमम जाता है। अब ऐसा क्यों होता है उसको थोड़ा समझते हैं। जो मेरी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो ऑलरेडी अपने ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रही है, वो ऑलरेडी अपनी बेस्ट चीज़ें अचीव कर चुकी है, इसलिए उन पे इतना ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप नहीं होता। जबकि जो मेरी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वो स्टिल डेवलप हो रही है, अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रही है, एंड उनके पास रूम फॉर इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उनके पास ग्रोथ का स्कोप भी ज़्यादा होता है। एंड इसीलिए जो मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमेशा सेम टाइप की कंट्रीज़ के बीच कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर मेरा कोई इन्वेस्टर आ रहा है उसे इन्वेस्ट करना है पैसा या तो इंडिया में और या फिर यूएसए में, वो इन दोनों के बीच कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं कंपेयर करेगा, क्योंकि वो फैक्टर यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा आएगा क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जबकि हो सकता है यूएसए में उसका प्रोडक्ट ज़्यादा चल जाए। तो ये थोड़े से की टेक अवेज है जो कि लाइक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम से, बट इनकी नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ है इसमें क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं एंड कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं जिनकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंजेस आते हैं। मैंने इसको यहाँ पे दो में डिवाइड कर दिया, एक साइड में वो वाले फैक्टर्स लिखूंगा जिससे कि मेरे को इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है एंड दूसरी साइड वो लिखूंगा जिसकी वजह से मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ लिमिटेड रह जाती है। सबसे पहले फैक्टर्स दैट कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहला नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जब भी मेरी कंट्री के अंदर मिलते हैं एकदम से बूम आ जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग अरब कंट्रीज़ का ले सकते हैं। जैसे उनके पास तेल के कुएं मिले, अरब कंट्रीज़ जितनी भी मेरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उन्होंने वर्ल्ड पे एक तरीके से अपनी फाइनेंशियल डोमिनेंस चालू कर ली। वहाँ पे उनको इकोनॉमिक ग्रोथ किससे मिली, सारी ऑयल से मिली जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, उससे उनको बूस्ट मिला। ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूरेनियम मिला था, कहीं पे गोल्ड डिपॉजिट्स मिल जाते हैं साउथ अफ्रीका वगैरह में, वहाँ से उस कंपनी को अपने कंट्री को अपने आप इकोनॉमिक बूस्ट मिल जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज के बाद आता है फिजिकल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करता है उसको समझते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके का कैटलिस्ट का काम करता है ग्रोथ के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, वो हेल्प करता है, वो फैसिलिटेट करता है चीज़ों को। इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से ही मैं चीज़ों को जल्दी कर सकता हूँ, एफिशिएंटली कर सकता हूँ, इफेक्टिवली कर सकता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कि मेरे रोड्स कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी कैसी है, इंटरनेट कैसे है, ये सारी चीज़ें। इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी कंपनीज के अकॉर्डिंग बनाया गया, अलग अलग सिटी सेटअप हुए, अलग अलग जोन सेटअप हुए, जिससे कि आईटी सेक्टर को बूस्ट मिला एंड इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग आईटी सेक्टर का एग्जांपल लिख सकते हो। थर्ड, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा एग्जांपल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले सेम लैंड के अंदर काफ़ी कम चीज़ें बनती थी, काफ़ी कम आता था, काफ़ी कम मैन्युफैक्चरिंग होती थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हर चीज़ बढ़ती चली गई, सेम चीज़ सेम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट मिलने लग गया। लॉ से मैं मोर यहाँ पे कंसर्नड हूँ टूवर्ड्स इंटरनेशनल लॉज जो मेरे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड जो मैंने रखे हुए हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट पे अच्छे इंसेंटिव्स दे जाऊँगा, सब्सिडीज दे, तो मेरी जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगे वो अपने आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि वो लोग एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। एक्सपोर्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली मेरा प्रोडक्शन बढ़ा तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप आ गया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ अब हम वो फैक्टर्स देखते हैं जो कि लिमिट कर देते हैं। पहला, पुअर हेल्थ एंड लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन। जब तक मेरे पास अच्छी हेल्थ एंड अच्छी एजुकेशन नहीं होगा, इवन दो अगर मैं अच्छी लेबर बना भी लूँ तो मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाऊँगा। एजुकेशन से ही मेरे लेबर एडवांस होगी, नए नए स्किल सीखेंगी, नई नई नॉलेज आएगी, बाहर के बारे में उसको पता लगेगा। अगर मैं अच्छे एजुकेशन लेवल्स ही नहीं रखूँगा तो मैं उनको मेंटली डेवलप ही नहीं कर पाऊँगा, उनकी प्रोडक्टिविटी ही इंक्रीज नहीं कर पाऊँगा। सेकेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। मैंने इंडस्ट्री लगा दी लेकिन इंडस्ट्री के पास रोड की एक्सेस नहीं है, ट्रांसपोर्ट की एक्सेस नहीं है, अगेन लिमिट रह जाएगा। भाई तुमने इंडस्ट्री तो लगा दी बट जब तक उसके गुड्स निकल के मार्केट में नहीं जाएंगे उसका क्या फ़ायदा, तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम अगेन उसको लिमिट कर देगा।
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोगों के पास है वेस्ट बंगाल का टाटा नानो का। टाटा नानो इनिशियली वेस्ट बंगाल में प्लांट लगाना चाहता था टाटा ग्रुप, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ममता बनर्जी उन्होंने नहीं लगाने दिया एंड उसको जाना पड़ा गुजरात के पास। काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, अगेन इकोनॉमिक ग्रोथ लिमिटेड रह गई एंड उतने अच्छे से नहीं हो पाई। एक और ले लेते हैं, कैपिटल प्रॉब्लम्स। काफ़ी सारी कंट्रीज़ होती है वो आगे जाना चाहती है लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का पैसा ही नहीं है। वो लोग क्या करती है, जनरली लोन्स वगैरह लेती है दूसरी कंट्रीज से, दूसरे इंस्टीट्यूट से, बट अगर वो लोग डिलीवर नहीं कर पाती तो जिन लोगों ने उनको मनी लेंड किया होता है वो वापस खींच लेते हैं, तो अगेन कैपिटल प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ लिमिट हो जाती है। तो ये था ऑल अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। आज हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जाना, क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है एंड कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एंड कौन से फैक्टर्स जो कि इसको लिमिट करते हैं। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो वी हैव लॉन्च आर कॉलेज ट्यूटर ऐप वेयर यू कैन फाइंड ऑल द नोट्स एंड द लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एट वन प्लेस। टू रेटेड एंड टू रिव्यू। थैंक यू।